किया है। रतलाम के जावरा में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जावरा के मुस्लिम भाइयों हमें वोट मत देना पर वोट डालने भी मत जाना। दरअसल आलोक शर्मा जावरा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि जावरा के मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि तुम वोट तो दोगे नहीं मियाँ और वोट मत देना, पर दिल से स्वीकार तो करो कि जिस मकान में तुम रह रहे हो ये मकान प्रधानमंत्री की योजना में मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक, ये क्या बोल गए आलोक शर्मा? स्वाति, इस साल जो है चुनावी मामला है और चुनाव को लेकर के और काफी नेताओं को जो है ये गंभीरता वापरनी चाहिए, परंतु कहीं कहीं नेता जो है बड़े बोल बोल जाते हैं और इसी बड़े बोल के अंदर जो है आज जावरा के अंदर कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसके अंदर आलोक शर्मा जो है इस ढंग की भाषा बोल के ये मियाओं को जो है ये सोचना चाहिए, भले वोट दे या ना दे पर उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो जिस मकान में रह रहे वो मकान जो है प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। ऐसी भाषा बोलना जो है कहीं ना कहीं जो है इस चुनावी साल के अंदर जो है सरकार बनाने में तकलीफ दे सकती है। स्वाति, बिल्कुल, देखिए इस तरह के विवादित बोल जो हैं उससे मुश्किलें बढ़ सकती है बीजेपी की, जो आलोक शर्मा ने बोला है। और अशोक, ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वहां पर किसी की प्रतिक्रियाएं सामने आई है इस तरह के विवादित बोल के बाद आलोक शर्मा के? नहीं, अभी तक तो इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कही गई है, परंतु मुस्लिम समाज का ये कहना है कि यदि इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो भाषा उचित नहीं है, कम से कम बड़े नेताओं को अपनी भाषा के ऊपर जो कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोल करके ही जो है कार्य करना चाहिए। इस साल चुनाव का समय और चुनाव के समय में यदि ऐसी भाषा बोलते हैं तो समाज को जो है आघात पहुँचता, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। स्वाति, बिल्कुल, देखिए इस बयान की लगातार निंदा हो रही है आलोक शर्मा की और मुस्लिम वोटर्स को लेकर बीजेपी की। आलोक शर्मा ने जिस तरह से बयान दिया है उससे अब वो सवालों के घेरे में और उस पर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है। शुक्रिया करूंगे अशोक तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए ये बड़ी जानकारी, आलोक शर्मा जो हैं उनके इस विवादित बयान के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। जावरा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आलोक शर्मा की ने इस तरह का विवादित बयान दिया है। और देखिए इस बयान के बाद हमारे साथ अब्बास हफीज जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, मैं आपका स्वागत करूंगी और देखिए आलोक शर्मा के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया। सर, ये बहुत निंदनीय है और सांप्रदायिकता की आग में झुलसाने के प्रयास है मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे और अल्पसंख्यक आयोग इसके ऊपर सू मोटो ले, हम ये मांग करते हैं और कार्रवाई करें एक समुदाय विशेष को और स्पष्ट तौर के ऊपर मुस्लिम वर्ग को बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सीधे तौर पर धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वोट बीजेपी को दोगे नहीं तो निकलना ही मत वोट देने। इसके बावजूद भी कोई केस दर्ज नहीं होना, लगता है कि सोची समझी एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। ये भारतीय जनता पार्टी वो है जिसने पिछले चुनाव में भी जातिगत हिंसा में माई के दाल के नारे देके दो जातियों को लड़ा के रख दिया था, पूरा मध्य प्रदेश झुलसा, 10-12 लोगों की जान गई थी। इस बार भी ये एक बार फिर से आए हैं समुदायों को लड़ाने के लिए,
और जनता इनको जानती है। हम निंदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी इसके ऊपर कोई शोकॉज नोटिस कम से कम दिखावे के लिए दे दें, ताकि जनता को लगे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी इस लाइन के ऊपर नहीं है, जो लाइन आलोक शर्मा जैसे नेताओं ने ली है जिनके पास कोई जमीन नहीं है और अपनी जमीन को तलाशने के लिए इस तरह के ओछे बयान वो देते रहते हैं। और अब्बास साहब देखिए, जरा चुनावी जब मौसम होता है तो इस तरह के विवादित बयान क्यों सामने आते हैं? आपको नहीं लगता कि जब जब जनता के बीच जनप्रतिनिधि जाते हैं तो उनको तोल मोल के बोलना चाहिए? देखिए, हम तो इसी बात का समर्थन करते हैं और कम से कम ऐसे बयान से तो बचे कि जिससे कि कोई सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती हो। इस तरह के बयान, चलिए एक दूसरे पे आप तंज कर सकते हैं, एक दूसरे को आप ताने दे सकते हैं, एक दूसरे को नेताओं के ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, उसमें आपकी जबान फिसले समझ में आता है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक बड़े समुदाय विशेष एक वर्ग के ऊपर ऐसी टिप्पणी, उनको धमकाना, ये तो सांप्रदायिक हिंसा की तरफ मध्य प्रदेश को धकेलने की नीयत से दिया गया बयान है। और इसके ऊपर सब सो रहे हैं, प्रशासन हो या आयोग हो, तो समझ में आता है कहीं ना कहीं शायद एक सोची समझी साजिश है और रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। प्रदेश का उपाध्यक्ष बयान दे रहा है एक समुदाय विशेष को सीधे तौर पर धमकाना कि वोट डालने निकलना मत, क्या है इसके मायने? बिल्कुल, तो देखिए आलोक शर्मा के इस विवादित बयान के बाद सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। शुक्रिया करूंगी अब्बास सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, पूरी तरह से सियासत गरमा गई है इस वक्त मध्य प्रदेश की, जहां पर इस तरह के बयान देते हुए नजर आए आलोक शर्मा। तो देखिए, जावरा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे आलोक शर्मा, उसके बाद इस तरह का विवादित बयान दे दिया आलोक शर्मा ने। हमारे साथ इस खबर पर नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता। सर देखिए, आलोक शर्मा के इस तरह के बयान पर सर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि भाई वोट हमें मत देना, लेकिन वोट देने जाना भी मत। देखिए, आलोक शर्मा जी का पूरा बयान तो मैंने सुना नहीं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से पता चल रहा है, तो उनके बयान की हम पुष्टि कर लें कि उन्होंने वास्तव में कहा क्या है, उसका संदर्भ क्या निकाला गया है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आलोक शर्मा जी एक सुलझे हुए नेता है, उनका कहने का आशय होगा जो मेरी जानकारी में आई है कि मुस्लिम समाज के लिए शिवराज सरकार ने बहुत कुछ किया है, कई कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तमाम वादे किए, लेकिन हज हाउस किसने बनवाया, विकास किसने किया, उसका उल्लेख उन्होंने किया है। और जो मेरी जानकारी में है, जो मैंने पूरा बयान तो नहीं सुना है, लेकिन उन्होंने जो मुस्लिम वर्ग के प्रति तीन तलाक से लेकर विकास का काम भाजपा सरकारों ने किया उसको गिनाया। उन्होंने कहा होगा कि हमें भले वोट मत देना, मतलब आप दे नहीं दे, लेकिन हम आपके समाज के प्रति प्रतिबद्धित हैं, काम करने के प्रति प्रतिबद्धित हैं। और सर देखिए उन्होंने, देखिए मैं चाहूंगी कि वो आप वो बयान एक बार फिर से सुने, मैं पीसीआर को बोलूंगी ये बयान फिर से नरेंद्र सलूजा जी को सुनाया जाए, ताकि मैं इनकी प्रतिक्रिया अच्छे से ले सकूं। दिल मन से क्योंकि तुम वोट को नहीं दोगे यार, वोट मत देना मियां, पर दिल से स्वीकार करो रईस मियां, अगर आज तुम जिस मकान में दे रहे हो, ये मकान प्रधानमंत्री हाउसिंग फायदा योजना में मोदी जी ने तुमको दिया है। अरे नरेंद्र जी, देखिए मकान को भी बोल दिया उन्होंने कि देखिए ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो मकान आप रह रहे हैं जिसमें उस वो मोदी जी ने दिया है आपको। जी तो उन्होंने, मैंने कहा उन्होंने विकास के काम गिनाए होंगे कि मकान दिया, हज हाउस बनाया, तमाम काम